जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ डॉक्टर वकास साहब भी मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह कमिंग साइलेज के सीज़न में हम बड़ी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे अपने फार्मर्स के लिए, इंश्योर करेंगे क्वालिटी साइलेज। तो ये एक मकई का स्पेसिमन है हमारे पीछे, आपको दिखाते हैं कि किस किस्म की मकई का साइलेज जो है आप लोगों के लिए तैयार किया जाएगा, मकई का साइलेज किस स्टेज पे तैयार किया जाएगा और ये किस तरह से आप तक पहुँचेगा, ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह अभी मैं आपको बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब कितनी हाइट होगी क्रॉप की? सर ये 6 फुट तो मेरा है। तो 6 फुट आपका, तो 4 फुट आगे लगा लें। 4 से ज्यादा ही होगा, 10 से। तो क्रॉप की जो हाइट है तकरीबन कम से कम 10 फुट है जी। और ये इसकी छल्ली है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी, वो है छल्ली। अब आपको छल्ली दिखाते हैं जी। डॉक्टर साहब जरा कैमरा पास लेके आइएगा, बल्कि मैं आ जाता हूँ। ये छल्ली दिखाते हैं जी। छल्ली के जब बाल यहाँ से डार्क ब्राउन कलर के हो जाए तो समझिए कि काम तकरीबन रेडी है। ये आपको मोटे मोटे मैं कुछ जो है ना बता रहा हूँ। जब शुरू में छल्ली तैयार होती है ना, तो ये अमूमी तौर पे छल्ली के ये जो बाल होते हैं ये आपको लाइट येलो कलर में मिलेंगे। अब ये क्योंकि क्रॉप बिल्कुल तैयारी के नज़दीक है तो ये इसके बाल जो हैं डार्क ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन इसको अंदर से खोल के चेक करना ज़रूरी है। जब हम छल्ली को खोल के चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, ये मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ। कई छलियाँ ऐसी होती हैं जो साइज में पूरी होती हैं लेकिन अंदर दाना पूरा नहीं होता, तो इसलिए छल्ली को जब भी चेक करें तो अंदर से निकाल के चेक कर लें, उसका दाना चेक कर लें। ये मैंने छल्ली खोल ली है तो सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो है इसका दाना। मुकासा जरा कैलकुलेटर निकालिएगा। अच्छा जी, अब अगली चीज आपने क्या करनी है, अगली चीज जो है आपने इसका जो दाना है वो दाना गिन लेना है कि एक छल्ली पे दाना कितना है। वो मैं जल्दी से गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 43 लंबाई में है। ये आप कर लें जनाब अली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दरब 18 कर दें, ये 774 बन गया जी। 43 दरब 18 774, तो इस छल्ली पे 750 दाने मौजूद हैं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक जब बहारिया मकई का साइलेज आप तैयार करेंगे तो 750 से कम दाना नहीं होना चाहिए। अब ये छल्ली जो है इसका कमोबेश साइज जो है तकरीबन 10 से 11 इंच है, इसमें मौजूद दाना जो है वो तकरीबन 750 है। अगर आप ये कहें कि इस फसल का झाड़ कितना निकलेगा, तो मेरे नाकस अंदाजे के मुताबिक इस फसल में तकरीबन 110 से 120 मन मकई पैदा होने वाली है। 110 से 120 मन मैं मकई के दाने की बात कर रहा हूँ। अगर झाड़ की बात की जाए तो ये एक मैं नीचे से ये टांडा उठा लेता हूँ, पूरा ये पूरा टांडा है, ये आप इसको कवर कर दें, ये इसकी हाइट है पूरी। अगर मैं इसकी वजन की बात करूँ तो ये 550 से 600 मन एकड़ से निकलेगा। अगर मैं बात करूँ ना इसकी दाने की परसेंटेज की, तो इसके फसल में कम से कम 18 से 20% दाना जो है इस फसल में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, अगर आप 40 किलो साइलेज ऐसी मकई का आपने जानवर को खिलाते हो तो उस मक्की में से 7 से 8 किलो दाना जानवर के पेट में जाएगा। कितना जी? रीजनेबल 7 से 8 किलो दाना जाएगा। ये देखें जी, ये भी देखें जी, इसकी जरा हाइट चेक कर लें आप, ये किधर है माशाल्लाह। ये बेस्ट टाइम है मक्की का साइलेज अपने पास प्रोक्योर करने का, ऐसी मक्की आपको बाद में नहीं मिलनी। आपको पता है जो वंडा खिलाते हैं आप, जो बड़े बड़े राशन फार्मुलेशंस करते हैं ना, मैं वंडे की कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जब आप 10 किलो वंडा अपने जानवर को खिलाते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा भी अगर कोई दाना जाता है ना तो वो होता है 4 किलो। तो साइलेज का एक मन खिला के आपके जानवर के पेट में तकरीबन 7 से 8 किलो दाना जाएगा। अच्छा, अब अगली बात देख लें, साइलेज के लिए छल्ली रेडी है या नहीं, ये अगली गेम है। अच्छा, इसमें ऐसा ही नहीं है, मैंने आपको एक छल्ली तोड़ के दिखाई है, आप देख लें यहाँ पे छलियां आपको ज्यादा तोड़ के देखनी चाहिए। ये देखें दाना पूरा है, इसको देख लें दाना पूरा है, इसको देख लें दाना पूरा है। तो 5-6 छलियां जरूर चेक कर लें, आपको अंदाजा हो जाता है क्रॉप का। बाद उगात ना छलियां यहां तक खाली होती हैं, उनका दाना यहां तक नहीं होता, सिर्फ तुक्का ही होता है। अच्छा जी, अब ये देखना है कि क्या ये छल्ली साइलेज के लिए रेडी है।
एक चीज जरा डॉक्टर साहब गौर से दिखाएं, इसमें जरा फोकस कीजिए, क्या आपको छल्ली के अंदर हल्का हल्का ये पिचका हुआ नजर आ रहा है कि दाना पिचका हुआ है, डिप्रेशन दाने के अंदर नजर आ रहा है डॉक्टर साहब आपको, नजर आ रहा है ना जी? अच्छा, जब छल्ली साइलेज के लिए तैयार होगी तो इसकी तीन स्टेजें हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है, जब इसके ऊपर जो बाल हैं वो लाइट येलो कलर के होंगे और जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ये जो डिप्रेशन है मौजूद नहीं होंगे, तब ये अर्ली स्टेज है, यहाँ पे साइलेज बनाना हम रिकमेंड नहीं करते। ये जो स्टेज है, अब इसमें जो ऊपर इसके जो बाल थे वो डार्क ब्राउन हो गए और इसमें देखें आप ये डिप्रेशन जो है इसके अंदर डिप्रेशन आ चुका, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने नाखून चबाना है, ये जरा गौर से देखें, ये इसके अंदर मैं नाखून डाल रहा हूं, इसके अंदर से नाखून को चुबाने पे थोड़ा सा दूध निकल रहा है, लेकिन वो दूध स्प्लैश होके मेरे ऊपर नहीं कर रहा, मतलब इसके अंदर जो दाने के अंदर जो दूध मौजूद है वो स्प्लैश नहीं कर रहा, वो इर्द इर्द गिर्द नहीं जा रहा, तो ये साइलेज मक्की के लिए रेडी है, ये मक्की साइलेज के लिए रेडी है। अच्छा, अगर आप इसमें दाने के अंदर अपना अंगूठा कब हो दें और इसके अंदर से पाउडर निकले तो सब समझ लें कि आपकी जो मकई है वो साइलेज के लिए जो है वो रेडी, वो स्टेज गुजर गई, स्टेज ही गुजर गई। अच्छा, अब ये स्टेज जो है मक्की, इसको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ये देख लें, ये कटाई का अमल शुरू है, इंशाल्लाह ये मक्की जो है इसका साइलेज तैयार होगा, तैयार करने के बाद इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाएगा। 80 केजी की बेल्स हमारे पास दो ऑप्शन थे डॉक्टर साहब, 80 केजी और 1 टन का। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम 1 टन वाली बेल पर नहीं जाना चाहते, हमारे पास जो ज्यादा फार्मर हैं वो ऐसे हैं जो 10 गायों वाले हैं, 20 गायों वाले हैं, 50 गायों वाले हैं, 30 गायों वाले हैं, तो जिनके पास तो जानवर ज्यादा हैं उनके लिए 1 टन बेल का ऑप्शन अच्छा है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि रोजाना का इस्तेमाल कितना होगा, दूसरा उनका मसला ये है कि उसको उतारना, अनलोडिंग बहुत बड़ा मसला है। जो बड़ा फार्मर है वो तो अनलोडिंग करवा लेता है जी, लेकिन जो छोटा फार्मर है उसके लिए अनलोडिंग बहुत बड़ा मसला है, वो अनलोडिंग शायद नहीं करवा पाता, वो उसके लिए जो इश्यू है वो इश्यू बन जाता है, ठीक है जी। तो बेहतर ये है कि 80 केजी वाली बेल की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए उसको संभालना आसान हो, उसको फार्म पे रखना आसान हो। आपको ये साइलेज जो है, ये जो हाई क्वालिटी साइलेज जो है, ये नीचे डॉक्टर वकास साहब का मैंने नंबर दे दिया है, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं, ये अपने पास आप मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब मिनिमम आपके ख्याल में कोई फार्मर कितना आपसे मंगवा सकता है? सर फ्रेट चार्जेस होते हैं वो, अगर फ्रेट चार्जेस पे करने को तैयार है तो जितना मर्जी मंगवा लें, बात ये है कि जितना थोड़ा मंगवाएंगे उतना किराया आपको ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा मंगवाएंगे तो। अच्छा, कम से कम वैसे कितनी गाड़ी चली जाती है? मुझे तो हंडाई भी चली जाती है, अब उसमें तकरीबन कह लें कि कोई 50 से 60 जो मान है ना वो आ जाता है, मतलब 50 से 60 मान का मतलब बल्कि कह लें 2 से 3 टन, 2 टन, 2.5 टन तक भी, 2 से 2.5 टन। अच्छा, आप लोगों से मशवरा ये है कि अगर पास पैसे हैं, मतलब बात तो सारी खत्म होती थी पैसे पे, अगर पास पैसे हैं तो ये जो मकई है ना, इस वक्त हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 6 महीने की आपके पास स्टोर होनी चाहिए। अगर पास पैसे हैं तो अपना 6 महीने का जो बंदोबस्त है वो कर लें, क्योंकि बाद में आपको ऐसी मक्की जो है वो नहीं मिलनी, क्योंकि ये सबसे टॉप क्रॉप है, इसमें दाना बहुत ज्यादा होता है, 18 से 20% दाना जो है क्रॉप के अंदर मौजूद होता है, जानवर के प्रोडक्शन को आपको अच्छा खासा आपको फर्क मिलेगा। बाद में जो मक्की आनी है ना, तो उनका वो झाड़ होना है ना, उसमें इतना दाना होता है, जैसे सेप्टेम्बर अक्टूबर में जो फसल आएगी उसका दाना 70-75 मन होता है, और जो नवम्बर में फसल आएगी उसका दाना भी 50-60 मन होता है, और साथ ही साथ उसका ड्राई मैटर भी कम होता है। ये दो चीजें हैं, अगर तो इजाजत देती है तो अपना ये स्टॉक कर लें, लेकिन बात है खत्म होती पैसों पे, तो अगर तो ये आप कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज जो है अपना साथ साथ। एक चीज मैं आपको क्लैरिटी से बता दूं, हम लोग ना जी कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, हम बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, हम नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको राउंड द ईयर आपके लिए अवेलेबल कर सकें। हम कुछ 4-5 दोस्त हैं, जितने को 2-4 आने हमने साइलेज जमा करके आपकी खिदमत में पेश कर देना, हो सकता है कि महीने के बाद आपको जवाब मिले कि खत्म हो गया, हो सकता है कि 2 महीने के बाद जवाब मिले खत्म हो गया। हमारी एक अटेम्प्ट है, कोशिश है कि हम जितने फार्मर्स के लिए जो है एक बेहतरीन काम करके एक अच्छी क्वालिटी का साइलेज आपकी खिदमत में दे सके, क्योंकि लोग हमसे मांगते हैं, हम क्वालिटी कहते हैं साथ के आप क्वालिटी की गारंटी दें, गारंटी तभी दी जा सकती है जब आप फसलों में आके फसल चेक कर लें,
उसकी बेलिंग करें और अपनी क्वालिटी फिर ही अश्योर हो सकती है। किसी एक बंदे के कह देने पे जी कि मेरा साइलेज बहुत अच्छा है, हम क्वालिटी गारंटी नहीं कर सकते। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। आपको साइलेज चाहिए तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें। उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात आपके हक में, हमारे हक में इसको बेहतर साबित करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।